नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हुगली हॉट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं ऐसे एक पश्चिम बंगाल शहर और जिला में रहता हूं, जहां पे पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के ऊपर, जो भी धर्म के ऊपर अगर रैली निकाली जाती है, इस पे ऐसे कड़े नियम लगाए जाते हैं, जैसे मुझे ये अनुभव होने लगा है कि मैं भारत या पश्चिम बंगाल में नहीं, मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहता हूँ, जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है और जहाँ हिंदू अपने धर्म के प्रति खुलकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ये जवाब दे कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी को अगर हम लोग मनाते हैं, अगर रामनवमी की जुलूस की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल में हर जगह हर धर्म के लोग अपने धर्म को निभाते हुए डीजे, चोंगा, माइक, बाइक रैली, या वो कोई दल के नेता हो या दल का कोई कार्यक्रम हो, वहां पे बाइक रैली से लेकर हर चीज होता है। सिर्फ रामनवमी पे इतने अटकले और इतने नियम क्यों लाए गए? मैं यहाँ के समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि धर्म को लेकर ऐसा खेल क्यों? क्या जय श्री राम या भारत माता की जय या रामनवमी क्या किसी एक धर्म के ऊपर है? पश्चिम बंगाल में क्या रामनवमी को धीरे धीरे वैध कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुगली जिले के रिश्रा में रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक बहुत ही भव्य जुलूस निकलता है। रामनवमी के मद्देनजर हुगली जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से श्रीरामपुर में रामनवमी कमेटी के लोगों को लेकर एक बैठक भी की गई थी, और बैठक में जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने रामनवमी के जुलूस पर लगाए हैं, वो बेहद ही हताश करने वाले हैं। पुलिस का इंस्ट्रक्शन देखकर यह साफ हो जाता है कि रामनवमी की यात्रा तो निकल सकती है, लेकिन वो शोभा यात्रा नहीं होगी, क्योंकि उसमें शोभा नहीं रहेगी। बैठक में रामनवमी आयोजित करने वाले कमेटी के सदस्यों को जिस प्रकार के निर्देश चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दिए गए हैं, उससे तो यही लगता है कि रामनवमी में इस बार शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन उसमें शोभा नहीं रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके कई कारण हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रामनवमी के ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि वो रैली में मोटरसाइकिल को शामिल न करें। ये कैसा फरमान है प्रशासन का, हमारे समझ में तो अभी तक नहीं आया। आपके समझ में यदि आता है तो आप हमें बताएं। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट में डीजे पर वैसे ही प्रतिबंध है, और रामनवमी के जुलूस में माइक बजाने से भी परहेज करने का निर्देश दिया गया है। अब बताइए दर्शकों, यदि रामनवमी के जुलूस में माइक नहीं बजेगी, यदि रामनवमी के जुलूस में मोटरसाइकिलें नहीं होंगी, यदि रामनवमी के जुलूस में टोटो ऑटो पर सवार होकर लोग शामिल नहीं होंगे, तो जुलूस कैसे निकलेगी? प्रशासन के इन निर्देशों के बाद रामनवमी के आयोजक जो हैं वो सकते में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आखिर वो रामनवमी का जुलूस निकालें तो कैसे निकालें। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष रिश्रा में रामनवमी के मौके पर एक बहुत ही भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जो निर्देश प्रशासन ने रामनवमी के आयोजकों को दिया है, जुलूस के आयोजकों को दिया है, उससे वे सकते में हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें, और प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए रामनवमी के आयोजन को वो भव्य कैसे करें, रामनवमी का भव्य जुलूस वो कैसे निकालें। कल हम लोगों के पास सूचना आया था, श्रीरामपुर थाना में कल एक बैठक था, जहाँ पे कि रामनवमी की जितनी कमेटियाँ हैं, उन सभी कमेटियों के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था, और कल वहाँ जो गाइडलाइन जारी किया गया है रामनवमी का शोभा यात्रा लेकर के, वो बहुत ही क्षुब्ध करने वाला और आहत करने वाला गाइडलाइन निकाला गया है प्रशासन के तरफ से।
जैसा कि हम लोग 2019 में कोविड के चलते 2020 और 2021 में रामनवमी का रैली नहीं निकला, लेकिन लास्ट रैली 2019 में जो रैली निकला था वो बहुत ही भव्य रैली निकला था। और उस रैली में उसमें भी कुछ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन था, जैसा कि डीजे का परमिशन हम लोगों को 2019 में भी नहीं दिया गया था, अस्त्र शस्त्र का भी परमिशन नहीं दिया जाता है। वो सब हम लोग मान के 2019 में बहुत ही भव्य राम जी का रैली निकाले थे, परंतु क्षुब्ध करने वाली बात यह है कि इस बार का जो गाइडलाइन दिया गया है वो कहा गया है कि इस बार कोई भी चोंगा माइक किसी तरह का भी साउंड सिस्टम इवन कि एक भी बाइक टोटो ये सब कोई चीज नहीं रहेगा इस रैली में। राम जी हम लोग के आराध्य हैं सनातनियों के, और हम सनातनी इस राम नवमी का जो ये रैली है इसको लेकर के सभी बहुत उत्साहित रहते हैं कि वर्ष में एक बार हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का रैली निकालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस प्रकार का ये जो नियम लागू किया गया है, एक तरह से कहिए कि थोपा गया है इस नियम को, ये बहुत ही मर्माहित करने वाला है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रामनवमी में इस तरह का दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ रामनवमी के ही शोभा यात्रा में क्यों दिया गया है प्रशासन के तरफ से। मैं राम को मानने वाले समाज के लोगों में प्रशासन के निर्देश के बाद गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। वो प्रशासन के निर्देश से हताश हैं, निराश हैं, नाराज हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार की पाबंदियां रामनवमी के जुलूस पर लगाई गई हैं, क्यों लगाई गई? क्या ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को हताश और निराश करने की कोशिश हो रही है प्रशासन की ओर से? यदि प्रशासन इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करेगी तो सवाल तो उठेंगे, और उन सवालों का जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। बहरहाल आपने हमारे वीडियो में रामनवमी के आयोजकों को सुना, हमारी बात भी सुनी, आपके अपने विचार भी हो सकते हैं, आपका विचार हमारे पक्ष में हो सकता है, हमारे विरोध में हो सकता है। तो दर्शकों, मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर व्यक्त करें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।